नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक करो इंडिया क्लासेस में। मेरा नाम है राजेश मटपाल और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सेल की क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस फिल्टर के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था फिल्टर क्या होता है। आई होप आपकी सारी क्वेरी दूर हो गई होंगी, आपने प्रैक्टिस भी करी होगी कि फ़िल्टर को कैसे यूज किया जाता है। और कुछ बच्चों ने अगर वो पिछली क्लास नहीं ली है तो उनका इस क्लास को देखने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक वो पिछली क्लास को नहीं देखते, इस क्लास को मत लीजिए। देखिए, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे केवल एडवांस चीज़ें सीखनी है, मैं पिछली चीज़ें मेरे को आती होंगी, फ़िल्टर मैंने जो सर ने सिखाया होगा वो मैंने बेसिक में मेरे को आता था, तो आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देंगे। और फिर आप जब नेक्स्ट लेवल पे एडवांस लेवल पे आप सीखेंगे चीज़ों को, तो आपको वो सही से समझ नहीं आएंगी। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बोला था मैं आपको बनाऊंगा एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मेहनत, आपको स्टेप बाय स्टेप चलाना। तो पहला स्टेप जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक सेकंड स्टेप के बारे में सोचना भी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में फ़िल्टर सीखा था, आज सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है, कहां पर हमें एक्सेल में शो होता है, क्या इसका यूज है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपने अभी तक की चारों क्लासेस देख ली होंगी। मैं उसी हिसाब से आगे चल रहा हूँ कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीखते हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फिल्टर के बारे में। एडवांस फिल्टर क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको फ़िल्टर सिखाया था। फ़िल्टर को लगाने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो हमारे ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, और उसके बाद हमें जो भी फ़िल्टर लगाना होता है हम यहाँ से फ़िल्टर लगा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको कुछ डाटा, मतलब कुछ स्पेसिफिक फ़िल्टर लगा के अपने इस डाटा को यहाँ पर लेके आना है, तो या तो आप करेंगे कि यहाँ पर से फ़िल्टर लगाया, जैसे आपको दिल्ली सिटी का केवल डाटा चाहिए, आपने दिल्ली करा, ओके कर दिया, फ़िल्टर लगाया, आप यहाँ से कंट्रोल सी करके अपने डाटा को यहाँ पर ला सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर डाटा आपको शो नहीं हो रहा, जबकि आपका डाटा यहाँ पर है। क्योंकि वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2 उसके बाद 10 रो है सीधा, तो आपका डाटा हाइड है। जैसे ही मैं इस सिटी में से फ़िल्टर को हटाऊंगा, ओके कर दूंगा, तो आपका डाटा पूरा यहाँ पर आ गया है। तो आप ऐसे अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ एडवांस फ़िल्टर की मदद से भी अपने इस डाटा को यहाँ पर ला सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लियर करता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ ताकि ये सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर से कुछ बच्चों का डाटा चाहिए जो कि केवल फरीदाबाद से पढ़ने आते हैं मेरे पास, मुझे केवल उनका डाटा यहाँ पर चाहिए, तो मैं कैसे लाऊँगा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्राइटेरिया बनाना है। तो वो क्राइटेरिया बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा मुझे केवल फरीदाबाद के बच्चे चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिटी, यानी कि मैं सिटी में ही ढूँढूँगा ना, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सिटी को यहाँ पर, ठीक है। आपको जहाँ पर भी डाटा निकालना है वहाँ पर इसको लिख लीजिए। उसके बाद कहाँ का डाटा चाहिए, फरीदाबाद का, तो मैं इसको भी कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पेस्ट इसलिए किया, हम यहाँ पर लिख भी सकते थे, लेकिन जो हमने लिखा है, यानी कि सिटी की जो स्पेलिंग लिखी है, जो फरीदाबाद की स्पेलिंग लिखी है, वो मैच होनी चाहिए यहाँ से, तभी हमारा फ़िल्टर अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिसमैच होगी तो फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। बाकी आप लिख के भी कर सकते हैं और कॉपी करके भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसे हमें चाहिए फरीदाबाद सिटी से हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम इसमें लगाएंगे एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर लगाने के लिए वही हमको सेम डाटा टैब पे जाना है। पिछली क्लास में मैंने फ़िल्टर सिखाया था, जस्ट उसके साइड में देखिए एडवांस लिखा हुआ आ रहा है, हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। एक्शन के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसका मतलब होता है आप जो फ़िल्टर लगा रहे हैं वो उसी प्लेस पे लगाना चाहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी डाटा है, या फिर आप किसी अनदर लोकेशन पे लगाना चाहते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो अगर हमें ये फ़िल्टर यहीं लगाना होता तो हम सिंपली अपने उस फ़िल्टर का यूज़ कर लेते जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया। हमें करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो हमेशा इस पर क्लिक करना ना भूलें, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिस्ट रेंज, ये कह रहा है आपकी रेंज कहाँ है, जो भी आपका टेबल है जहाँ से आपको डाटा निकालना है स्पेसिफिक, वो पूरा डाटा है कहाँ पे है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये ऑलरेडी यहाँ पर इसने पिक कर लिया है कि ये आपकी लिस्ट रेंज है। अगर आपकी ये पिक नहीं होती है तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से जहाँ तक का डाटा आपको चाहिए, आपकी जहाँ तक लिस्ट रेंज है।
तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या है आपका, देखिए क्राइटेरिया मैंने बनाया था ना, इसीलिए मैंने ये पहले ही बना लिया था, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस पूरे क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉपी टू, आप इस पूरे डाटा को, जो भी आप स्पेसिफिक डाटा निकालने वाले हैं इसका फरीदाबाद का, वो आप कहाँ पर लाना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, मैंने जस्ट मान लीजिए उसी के बगल में मुझे वो चाहिए डाटा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ओके प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फरीदाबाद सिटी के सारे बच्चों के नाम आ गए हैं, जो भी फरीदाबाद से हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। तो आप समझे कि एडवांस फिल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये सिटी के हिसाब से निकाला था अभी, अब मैं निकालता हूँ इंस्ट्रक्टर के हिसाब से कि कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे डाटा को सरका लेता हूँ ताकि यहाँ पर अगर हम कुछ और काम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। पहले मैं इंस्ट्रक्टर को कॉपी कर लूँगा यहाँ पर और कंट्रोल वी कर लूँगा, पेस्ट। उसके बाद मुझे जैसे मान लीजिए यहाँ से संतोष सर का डाटा चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूँगा। मैंने यहाँ पर संतोष सर को कॉपी कर लिया, ठीक है। आप लिख के भी ये चीज़ें कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब मुझे ये डाटा निकालना है कि संतोष सर के कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एडवांस पे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमें अपनी लिस्ट रेंज चेक करनी है। हमारी लिस्ट रेंज देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ये डांसिंग एंड आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये रेंज सेलेक्ट है। फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है अपनी क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज को हम पूरा पहले इसको ड्रैग करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद, ये आपको सेलेक्ट ज़रूर करना है, उसके बाद आपको जहाँ भी आपका क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉपी टू, आप अपने डाटा को कहाँ पर लाना चाहते हैं। तो आपको इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद जहाँ भी आपको आपका डाटा चाहिए वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए उस ब्लैंक सेल पे और ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये पूरा संतोष सर का डाटा आ गया है कि संतोष सर के पास कितने बच्चे आ रहे हैं, ये पूरा संतोष सर का डाटा है। तो आई होप आपको एडवांस फिल्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने एडवांस पर क्लिक करने के बाद इन रेंज को सही से सेलेक्ट नहीं किया, या फिर आपने इसको पूरे को सेलेक्ट करके नहीं किया, तो फिर आप गलत कर सकते हैं, आपका रेंज गलत आएगा या फिर आपकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, एरर आ जाएगा। देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं दोबारा से संतोष सर का डाटा निकाल रहा हूँ। गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दिया, उसके बाद आपको लिस्ट रेंज, आपने लिस्ट रेंज चेक कर ली, ठीक है। आप क्राइटेरिया रेंज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने ये सेलेक्ट नहीं किया, आपने क्या किया सीधा इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कॉपी टू पे आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया, एरर आ गया, क्योंकि आपने इन चीज़ों को सेलेक्ट करके रेंज को सेलेक्ट नहीं किया था, आपने सीधा ही वहाँ पे क्लिक करके, यानी कि उसके आगे वो कमांड लग गई है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफरेंस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले इस रेंज को पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अभी और कुछ करके दिखाते हैं आपको एडवांस फिल्टर के अंदर में। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी तक मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, अब मैं आपको न्यूमेरिक में भी निकाल के दिखाता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए हमें फ़ीस निकालनी है कि किस बच्चे की फ़ीस 15,000 रुपये है, अगर हमें वो निकालना है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको फ़ीस को कॉपी करना है एक जगह पे, क्राइटेरिया बनाने के लिए कंट्रोल वी, और 15,000 है फीस तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग यूज करनी है क्राइटेरिया निकालते टाइम, नहीं तो आपका डाटा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैंने क्राइटेरिया अपना लिख लिया है यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ डाटा टैब के अंदर में और एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ। एडवांस में क्लिक करने के बाद सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज सही है हमारी, क्राइटेरिया रेंज चेंज करना है, क्राइटेरिया अब हमारा ये है, तो मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मेरे को कॉपी टू वाली रेंज ब्लैंक सेल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ओके पे प्रेस कर दिया। तो देखिए जितने भी बच्चों की फ़ीस 15,000 थी वो यहाँ पर शो होने लग गई है।
अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अब अगर हम यहाँ पर 15,000 की जगह 10,000 कर दें तो क्या ये डाटा चेंज हो जाएगा? नहीं, ये ऐसे चेंज नहीं होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे? पहली चीज़ ये याद रखना, अगर आपको ऐसे कुछ चेंज करना है तो आपने रिसेंटली वहीं पर एडवांस फिल्टर यूज किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी हम यहाँ पर काम कर रहे थे, अगर मान लीजिए मैं इस टेबल पे काम करने आ गया था, मैं यहाँ पर मैंने एडवांस फिल्टर यूज किया था और उसके बाद मैं यहाँ पर 10,000 को चेंज करूँगा, तो फिर हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई करना है। लेकिन अगर मैंने अभी जैसे 15,000 फीस यहाँ पर थी और अब मुझे यहाँ पर केवल 10,000 वालों का डाटा चाहिए, तो मुझे केवल क्या करना है, अपना एडवांस पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना, हमारी रेंज वेंज सब सेलेक्ट है, हमें केवल कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए ये डाटा चेंज होके 10,000 वाला हो गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है अगर आपने बीच में कोई वर्क और नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ मैंने 10,000 को चेंज कर दिया, अब मुझे यहाँ पर राजेश सर करना है, तो देखिए मेरा डाटा चेंज नहीं होगा। अब मैं चाहूँ कि मैं एडवांस फिल्टर पर जाऊँ और ओके कर दूँगा, कॉपी करके ओके कर दूंगा, तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी। देखो हुई नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो फ़िल्टर यूज ही नहीं किए। मैंने तो मेरे फ़िल्टर की वो तो यहाँ लगी हुई थी, जो रेंज थी, लिस्ट रेंज थी, क्राइटेरिया था, वो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मुझे यहाँ वाले पे चेंज करना है तो फिर मुझे वो दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है, देखिए आप, जैसे मैं यहाँ पर 5,000 लिखता हूँ, ओके कर दिया मैंने, अब मैं एडवांस पे जाता हूँ, अभी मैंने लास्ट फिल्टर वहीं का यूज किया है, कॉपी और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए 5,000 की लिस्ट आ गई है, क्योंकि मैंने वर्किंग अभी अपने एडवांस फिल्टर में ये वाली कर रखी है। मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये सेट है, तो और मेरी जो रेंज है वो ये सेट है। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये जो कॉपी टू की लोकेशन है मेरी कहाँ पे सेट है, क्राइटेरिया रेंज क्या है वो यही सेट है, तो वो चेंज तभी करेगा जब वो चीज़ यहाँ पर सेट होगी। चलिए मैं दोबारा से एक बार, देखिए कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए चीज़ों को, मैं दोबारा से आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस पूरी चीज़ को अभी डिलीट कर देता हूँ, एक बार पूरे को क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से एक बार अच्छे से समझा सकूँ, क्लियर ऑल, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे फीस चाहिए, मैंने फीस ली और 35,000 वाली चाहिए, मैं दोनों को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको फटाफट सिखा सकूँ। ये चाहिए जी, ये मेरा क्राइटेरिया मैंने बना दिया। मैं डाटा टैब पे गया, एडवांस पे गया, पहली चीज़ रेंज सेलेक्ट, कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लिया, उसके बाद लिस्ट रेंज चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, इसको सेलेक्ट करके ये मैंने क्लिक कर लिया, और उसके बाद कॉपी टू, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर लिया और ओके प्रेस कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरे 35,000 वाले वो आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि आपको 20,000 वाले निकालने हैं, 20,000 की तो किसी की फ़ीस नहीं है, मान लीजिए आपको निकालना है 5,000 वाले, तो 5,000 आप यहाँ पर लिखिए। अभी आपके सारे फ़िल्टर एडवांस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। 5,000 लिखा, एडवांस पे गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे ज़रूर क्लिक करना है आपको, और आप ओके प्रेस कर दीजिए, तो आपका डाटा चेंज हो जाएगा, आपका 5,000 वाला डाटा आ जाएगा, ठीक है। अभी आप दोबारा कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर 15,000, तो आप 15,000 लिखिए और उसके बाद एडवांस पे जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन और ओके प्रेस कर दीजिए, तो देखिए आपका 15,000 वाला डाटा आ गया है। लेकिन जब आप दूसरी कमांड यहाँ पर यूज कर लेंगे, दूसरा एडवांस फिल्टर यूज कर लेंगे, और उसके बाद आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पर 10,000 लिख के इस डाटा को चेंज कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको न्यूमेरिक में एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पर कि 10,000 से ऊपर जिनकी भी फीस है वो यहाँ पर आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन 10,000 ऐसे लिखना है आपको, और अपना क्राइटेरिया ये बना लेना है, ठीक है। आपको एडवांस पे जाना है, पहला कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज चेक करनी है, सही है, क्राइटेरिया रेंज आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है, पहले इसको सिलेक्ट करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, और कॉपी टू आपका ठीक है जहाँ पे था, और ओके कर देना है, तो देखिए यहाँ पर आपका 10,000 से ऊपर जिनकी भी फीस है वो सारी आ चुकी है। आप इसको 5,000 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल 5,000 करना है, 5,000 से ऊपर की फ़ीस चाहिए आपको,
आपको एडवांस पे जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमारे एडवांस फिल्टर सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, केवल ओके प्रेस करना है। तो देखिए 5000 से ऊपर वाली जिसकी भी फीस थी वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ट्रेंड होते जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप इस पे मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखी नॉर्मल एडवांस फिल्टर, जो कि आप फिल्टर की मदद से भी कर सकते थे, आप डाटा को कॉपी करके चीज़ों को ला सकते थे। अब थोड़ा सा एडवांस का और फ़ायदा देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही अपने इस टेबल में लाने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना लेता हूँ, क्वालिफिकेशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी और बीकॉम कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मुझे क्या चाहिए कि बीकॉम वाले बच्चे तो चाहिए, लेकिन मेरे को उनका कोर्स कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो किस टाइम पर आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी फ़ीस क्या है वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं सिटी, और क्या उनका कौन ट्यूटर है वो चाहिए, और किस डे को वो आते हैं, मुझे केवल ये चाहिए। यानी कि सिटी चाहिए और कौन इंस्ट्रक्टर है और कौन सा डे है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर से जो जो हमारे को चाहिए वो लिख लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सिटी इंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हमें चाहिए डे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हमें केवल ये तीन स्पेसिफिक चीज ही चाहिए जो भी बीकॉम वाले बच्चे हैं उनकी, बाकी हमें ना तो नेम चाहिए ना कुछ और चाहिए। तो हम कैसे उनका निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, आपकी रेंज कॉपी टू अनदर लोकेशन सबसे पहले याद रखना, उसके बाद रेंज आपकी सेलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया रेंज आपका ये सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद कॉपी टू, कॉपी टू में आपको क्या करना है, इस पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है, क्या करना है आपको इन तीनों को, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपको देखिए यहाँ पर आ गया कि बीकॉम के बच्चे दिल्ली सिटी से हैं, संतोष सर पढ़ा रहे हैं, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, और इतने टाइम को। अगर आपको नेम भी चाहिए तो आप यहाँ से नेम पर क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आपको दोबारा से एक बार एडवांस फिल्टर पर जाना है, कॉपी टू अनदर, और आपका क्राइटेरिया रेंज सही है, आपको केवल कॉपी टू वाला एरिया चेंज करना है, नेम और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका देखिए ये आ गया है कि ये बच्चे, इनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम है, इनका नाम ये है, इस डे को आते हैं, इनके ट्यूटर ये हैं, ये इस सिटी से हैं। वो मैं नेम पहले लेना भूल गया था, अगर आप पहले ही नेम यहाँ पर डाल देते तो आप चारों को सेलेक्ट कर लेते तो ये चारों वैल्यूज आ जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार और करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे दिल्ली सिटी वाले बच्चों का डाटा चाहिए कुछ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया मैंने, मेरा क्राइटेरिया मैंने बना लिया। अब उनकी मुझे लिस्ट चाहिए, किस किस चीज़ की, नेम की चाहिए, उनकी स्टूडेंट आईडी चाहिए, नेम चाहिए और उनकी फ़ीस चाहिए। क्या उनकी स्टूडेंट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी और नेम, और साथ ही साथ मुझे उनका फ़ीस अमाउंट चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये तीन ही चीज़ चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एडवांस पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज चेक कर ली सही है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करके अपनी नई रेंज को सिलेक्ट कर लिया। एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया था, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू, कॉपी टू में याद रखना है अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जो जो चीज़ चाहिए आपको, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये स्टूडेंट आईडी है दिल्ली के बच्चों की, जिन नाम ये हैं और ये उनकी फ़ीस है। इससे ज़्यादा डाटा आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको स्पेसिफिक कोई डाटा चाहिए तो वही आपको लिमिटेड डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप आपने पहले जो फ़िल्टर सीखा होगा उसमें ये फ़िल्टर आपको नहीं आता। अगर आप कॉपी करते तो फिर आपको एक एक करके ये चीज़ें अलग करनी पड़ती, तो इसलिए आप यहाँ से ये चीज़ यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक अपना डाटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका डाटा सारा यहाँ है और आपको एक नई सीट पे ये डाटा चाहिए,
तो आप क्या एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल है, आपको अपनी सीट 3 पे रहना है, सब कुछ करना है, अपनी रेंज को सेलेक्ट करके रख लेना है जहाँ भी आपको चाहिए, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करके आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट रेंज को सिलेक्ट करना है। आपने अपनी लिस्ट रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज, आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो उसके लिए आप एडवांस फिल्टर पर जाके जो भी आपका क्राइटेरिया, जैसे सिटी दिल्ली का डाटा चाहिए आपको, आपने क्राइटेरिया डाल लिया, लेकिन आपको ले जाना वहाँ लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सेल को जहाँ भी आपकी नई सीट है, और ओके पे प्रेस कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ देखिए सारा डाटा आ गया है। वो क्राइटेरिया आप वहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ लिख के भी उस क्राइटेरिया को पिक कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपका जो डाटा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप दूसरी सीट में भी अपने डाटा को फिल्टर करके ला सकते हो। कैसे ला सकते हो मैंने बता दिया, आपको पूरी ब्लैंक सीट पे कहीं पे भी क्लिक करना है जहां आपको डाटा चाहिए, वहीं से आपको एडवांस फंक्शन यूज करना है। पुरानी सीट पे आपको एडवांस फिल्टर यूज नहीं करना, नई सीट पे जहां भी आपको अपना डाटा लाना है वहां से आपको एडवांस फिल्टर यूज करना है। उसके बाद से बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो आपने यहां पर करी थी। लोकेशन पर क्लिक करके, लिस्ट रेंज पर क्लिक करके अपनी पुरानी रेंज पर जाइए, आप अपनी पुरानी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज के लिए भी अगर आपको वहाँ से कोई क्राइटेरिया बनाना है, जैसे मान लीजिए डेट यूज़ डे वाले दिन किसकी किसकी क्लास हो रही है, हमारा क्राइटेरिया यही है मान लेते हैं इस बार। और फिर कॉपी टू की लोकेशन, कहाँ पे आपका कॉपी टू की लोकेशन है, वो तो नई सीट में ही होगी, तो अपना सेल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पे प्रेस कर दीजिए। केवल ट्यूसडे को जिनकी भी क्लासेस हैं उनके नाम आ गए, वो किस सिटी से हैं वो आ गया है। तो ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और सिखानी है आपको। अगर मान लीजिए अभी तक हम केवल एक क्राइटेरिया रख के काम कर रहे थे, अगर हमारे क्राइटेरिया भी दो हों तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमें फरीदाबाद सिटी के अकाउंटेंट बच्चों का डाटा निकालना है, हमारे पास अब दो क्राइटेरिया हो गए, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली हमें क्या करना है, सिटी हमारी जहाँ भी है सिटी, कॉपी कंट्रोल सी, हम अपना क्राइटेरिया पहले लिख लेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी, हमें चाहिए फरीदाबाद के बच्चों का डाटा, तो हम फरीदाबाद के बच्चों का डाटा कंट्रोल सी करके यहाँ पर लिख देंगे, कंट्रोल वी फरीदाबाद के बच्चों का। और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कि वो कोर्स जो है उनका वो अकाउंटेंट का हो, तो हम यहाँ पर कोर्स भी लिख देंगे उसके जस्ट बगल में कोर्स और क्या अकाउंटेंट, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं कि फरीदाबाद का बच्चा होना चाहिए और अकाउंटेंट का कोर्स होना चाहिए, ये दो चीज़ें निकालनी हैं। अभी तक तो हमने सिंगल क्राइटेरिया पे निकाला कि बीकॉम क्वालिफिकेशन, दिल्ली में रहने वाला या 5,000 से ऊपर की फ़ीस, अब दो क्राइटेरिया। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको एडवांस पे जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज आपको चेक कर लेनी है सेलेक्टेड है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज इसको पूरे को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, अपने क्राइटेरिया में दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। हमने अपनी पूरी क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू की लोकेशन, तो कॉपी टू हमें यहाँ पर चाहिए डाटा और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारा डाटा आ गया। हमने दो क्राइटेरिया सेट करे थे, पहला क्राइटेरिया था फरीदाबाद, दूसरा क्राइटेरिया था अकाउंटेंट, तो इसने केवल फरीदाबाद के अकाउंटेंट बच्चों का ही डाटा हमें फिल्टर करके दे दिया है। तो आई होप आपको एडवांस फिल्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको भी कुछ ऐसे ही टेबल बना के बहुत बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार गलतियां करेंगे, और गलतियां करने के बाद आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, आप मैसेज कीजिए और मैं आपको आपका आंसर बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके इस क्वेरी का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, और मैं देता भी हूं। बहुत से बच्चे मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने उनके आंसर भी उनको दे दिए हैं। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आज की क्लास थी एडवांस फिल्टर की, इसमें तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि ये एक या दो बार में आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसकी 3-4-5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। अगर आपको अभी समझ में आ भी गया है तो आप बाद में उसको भूल जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रखा तो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे प्रैक्टिस, और इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम कुछ सीखेंगे और फिल्टर्स और साथ में डाटा वैलिडेशन। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।